मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगे। मैंने समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है। समुंदर ने कहा कि मां वो हस्ती होती है जो अपनी औलाद के गुनाह अपने सीने में छिपा लिया करती है। मैंने जन्नत से पूछा कि मां क्या होती है, तो जन्नत ने कहा कि संत जी, मां वो होती है जो मुझे अपने कदमों के नीचे दबा लेती है। और जब मैंने ईश्वर से पूछा कि परमात्मा मां क्या होती है, तो ईश्वर ने कहा मां दुनिया में वो होती है जो मुझे भी अपनी गोदी में खिला लिया करती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। और जब मैंने पूछा, एक मिनट, हाँ शांति से बैठ जाए, मान्यता, किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में मोहब्बत कहां है, तो मैंने इतना ही कहा, मेरी मां जहां है मोहब्बत वहां है। बेशक दुनिया बहुत खूबसूरत होगी मान्यवर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कितनी भी खूबसूरत दुनिया क्यों ना हो, लेकिन मां से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है, मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। मान्यवर, लोग कहते हैं, वैदिक परंपरा, इस्लाम कहता है कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, वेद कहते हैं कि दुनिया की रचना ब्रह्मा ने की है, कोई कहता है दुनिया का पालन विष्णु करते हैं, और कोई कहता है दुनिया का विनाश महादेव किया करते हैं। लेकिन करते होंगे, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। पूना वालों, मैं तो इतना कहता हूं, मैंने भगवान को नहीं देखा और आपने भी भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, भगवान को देखा हो या ना देखा हो, अपने माता पिता को हर व्यक्ति ने देखा होगा। एक बात याद रखना, ये दुनिया ब्रह्मा ने बनाई, किसने देखा, कौन जानता है। बनाई होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बनाई होगी। लेकिन मैं आज यहां बैठकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया या नहीं बनाया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मां ने मुझे बनाया है ये मैं जरूर जानता हूं। नौ माह मां ने मुझे गर्भ में मेरी रचना की है। और एक बात और याद रखना, विष्णु हमारा पालन करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन माँ बाप हर औलाद का पालन पोषण करते हैं, इतना मैं जरूर जानता हूं। और एक बात और ध्यान रखिए, कोई शिव आकर, महादेव आकर सृष्टि का विनाश करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मेरे जीवन की बुराइयों का नाश जरूर किया है। हर माँ अपने बच्चों की बुराइयों से उसे बचाती है। एक बात याद रखना, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं देखे, लेकिन हमने माँ देखी है। इसलिए पुलक सागर कहता है कि माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु और माँ ही महेश हुआ करता है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं, माँ से बड़ा क्या होगा इस धरती पर। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एक मंदिर का भगवान है और एक घर का भगवान है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जब इस धरती पर आते हो तो घर का भगवान पहले मिलता है, मंदिर का भगवान तो बाद में मिला करता है। एक बात स्मरण में रखो अपने, कि मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद दिया करता है। माँ ऐसी भगवान है जो बिना मांगे बच्चों को सब कुछ दे दिया करती है। ध्यान रखना, बिना मांगे मिलता है माँ से, मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। एक बात याद रखना, मैं संत हूं और आज माँ पे बोल रहा हूं। लोगों ने कहा कि मां से प्रवचन की शुरुआत क्यों की, इनका प्रवचन की तो छोड़ो, आदमी की जिंदगी की शुरुआत मां से हुआ करती है, आदमी का जीवन ही मां से शुरू हुआ करता है, मां को कैसे भूला जा सकता है। जब मैं मां पे बोलता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं मां पे नहीं बोल रहा, मैं साक्षात परमात्मा पे बोल रहा हूं। ध्यान रखना, मां से बड़ा कोई भगवान है इस धरती पर, माँ बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। एक बात याद रखना, दुनिया में यदि माँ ना होती
तो तुम्हारा बचपन बिगड़ जाता। ध्यान रखे, हमारे बचपन को किसी ने संभाला है तो वह मां होती है। और आदमी का चिंतन, इस देश का चिंतन आप देखिए, बचपन बिगड़ता है तो मां संभालती है, जवानी बिगड़ती है तो महात्मा संभालते हैं, और बुढ़ापा बिगड़ता है तो परमात्मा संभाल लिया करता है। ध्यान रखिए, जीवन के तीन आयाम हैं और तीन महत्वपूर्ण चीज हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मां शब्द को देखोगे तो उसमें भी मां है, और महात्मा शब्द को देखोगे तो उसके भी आखिरी में मां हुआ करता है, और परमात्मा को देखोगे तो उसके भी अंत में मां। मां से नाता नहीं टूट सकता, आप कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं कि दुनिया में परमात्मा बड़ा होता है, और मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी मां हुआ करती है। मां से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? एक निवेदन है, कितने भी जिंदगी में अशुभ दिन आ जाए, कितने भी जीवन में अशुभ ग्रह लग जाए, आपकी कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह हो, आड़े तेरे क्यों ना हो, बिना कुंडली कितने भी आड़े टेढ़े ग्रह क्यों ना हो हमारी कुंडली में, एक बात याद रखना पुणे वालों, कितना भी वास्तु से हमारा मकान खराब क्यों ना हो, और कितने भी बुरे दिन हमारे जीवन में क्यों ना आए, मैं कहता हूं जिनका ज्योतिष पे विश्वास है रखो, लेकिन मेरी बात पे भी थोड़ा सा विश्वास करने का प्रयास करिए। मैं कोई ज्योतिष का विरोधी नहीं, कोई वास्तु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं तो इतना ही जान पाया हूं अपने जीवन में कि हाथ की रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी क्यों ना हो, अरे नादान, रोज सुबह उठ के मां के पैर छुआ कर, तेरी रेखाएं तेरे लिए वरदान का काम करेंगी, सौभाग्य का। मां बाप के पैर छू लो, जिंदगी के हर अशुभ ग्रह शुभ में परिवर्तित हो। मां की दुआएं साथ लेकर के चलिए, सुबह से कुछ लो या ना लो, मां की दुआएं जरूर साथ रखिए। मां बाप, मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार होता है, मां का प्रेम बड़ा अनूठा प्रेम होता है। यूं तो देखा जाए तो मां से छोटा कोई और शब्द नहीं होता वर्णमाला में, मां से छोटा कोई और शब्द नहीं है। यदि गहराई पर जाकर देखोगे तो तुम पाओगे कि मां से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा अर्थ नहीं हुआ करता। एक शब्द मां, मां शब्द एक विश्वविद्यालय है दुनिया की। ध्यान रखना, मां से बड़ी कोई विद्यालय नहीं, मां से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता है। मां शब्द में सब कुछ समाया होता है। अभी अभी ये कुछ चला है मदर्स डे, मोबाइल पे चलता है। मैंने कहा यार ये आदमी को क्या हो गया है, ये भारत का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी मदर्स डे मना रहा है, मां का दिन मना रहा है, नादान हो गया है इंसान, इतना भी नहीं समझता कि साल में एक बार मां का दिन आता है क्या? अरे ऐसा कौन सा दिन है जो मां के बिन है मेरे भाई? रोज ही मदर्स डे होना चाहिए, रोज ही मां का सम्मान होना चाहिए, रोज ही मां की पूजा होना चाहिए, रोज ही मां की अर्चना होना चाहिए। एक दिन क्यों चुनते हो मां के लिए? पूरी जिंदगी मां के लिए समर्पित होना चाहिए। मैं कहता हूं आपसे, इस देश 24 साल में जितनी तपस्या मैंने मोक्ष मार्ग के लिए की होगी, जितनी तपस्या मैं कर रहा हूं, मैं आज जब अपनी मां को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी तपस्या मैंने संत बनकर की है, उससे ज्यादा तपस्या उसने मुझे पालने पोसने में अपनी जिंदगी की होगी, उससे ज्यादा परिश्रम किया होगा, उससे ज्यादा कठोर साधना की होगी। आज लगता है एक सन्यासी का सन्यास भी कम पड़ता है मां की तपस्या के आगे, मां की साधना के। 9 माह गर्भ में रखना कोई कम तपस्या है मेरे भाई? बहुत बड़ी तपस्या होती है जिंदगी की। मां के प्यार इतने अनूठे प्यार हैं, इतने अनूठे प्यार हैं। बच्चा गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो मां नहलाती है, धुलाती है, नहीं नहाता तो एक चपत भी लगाती है, ले जाती है, उसे नहलाती है, उसका मैल छुड़ाती है। मुझे याद है मेरी मां बचपन में मुझे नहलाती थी, मैं छूट छूट करके भाग जाया करता था। मैं कहता था तुम नहलाती क्यों हो? बोले तेरे मन का मैल धुलाती हूँ, तेरे तन का मैल धुलाती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो मां इस शरीर से मैल हटाती है, ध्यान रखना, वही मां नहलाने धुलाने के बाद एक काला टीका काजल का फिर माथे पर लगा दिया करती है।
ध्यान रखना, एक तरफ तो मैल धुला रही थी और दूसरी तरफ फिर मैल लगाने का प्रयास करती है। तो एक बात याद रखो कि नहलाना धुलाना ये भी माँ का प्यार है, और काजल का टीका लगा देना ये भी माँ का प्यार। माँ के प्यार बड़े अनूठे हैं, माँ के प्यार से बड़ा अरे अभागे हैं वो लोग जिनके गालों में माँ के चांटे नहीं पड़े हो। ध्यान रखना, अभागे होते हैं वो लोग। एक बात याद रखना, अभागा वो नहीं होता जिसके पास भगवान की छाया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर धन दौलत या माया नहीं होती। अरे अभागा तो वो होता है जिस पर माँ बाप की छाया नहीं होती। ध्यान रखना, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। माँ बाप होना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, जीवन में माँ बाप का महत्व जरूर समझने का प्रयास करो। यूं तो रात को कितना भी आंधी तूफान आ जाए माँ की नींद नहीं खुलती है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा गुनगुना जाए तो माँ की नींद टूट जाया करती है। मान्यवर, आज वातावरण बहुत खराब है, इतने पढ़ लिख करके हम बड़े हो गए हैं। एक लड़का मेरे दर्शन करने आया, मेरे चरण छूने को। उसने कहा कि मुनिश्री, मुझे आपके चरण छूना है। मैंने उससे पूछा कि चरण छूना है मेरे? बोले हाँ। तो मैंने कहा माँ बाप के चरण छूता है? उसकी निगाहें झुक गई। मैंने कहा तू मेरे चरण छूने तो आया है, मैं यहाँ से आता हूँ जाता हूँ, हजारों लोग चरण पकड़ने को तैयार रहते हैं। मैंने पूछा कि बता तू अपने माँ के चरण छूता है, पिता के चरण छूता है? बोले नहीं छूता महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले पहले छूता था, अब नहीं छूता। मैंने कहा अब क्यों नहीं छूता? बोले अब हम बड़े बन गए हैं, पहले छोटे थे इसलिए चरण छुआ करते थे। ऐ नादान नौजवान जवानी, अरे इतने बड़े मत हो जाओ कि माँ के चरण ना छू पाओ। एक बात याद रखना, अरे तुम कितने बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ये डिग्रियां बटोरने से, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता मेरे भाई, माँ के चरण छुओ। एक बार की बात मुझे याद है, माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटकर अयोध्या में आ गए तो माता कौशल्या ने पूछा कि राम के महल में गई माता कौशल्या और जाकर के कहा कि राम, मैंने सुना है तुम भगवान हो, तुम नारायण का अवतार हो। दुनिया कहती है कि राम साधारण इंसान नहीं, राम भगवान है। राम ने नजरें झुकाई, कहा माता मुझे तो नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं महापुरुष हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नारायण हूं। तो मां ने कहा कि सब तो कहते हैं कि तू भगवान है। राम ने कहा कि मां, मैं मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं या नहीं, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके शीश पर तेरे जैसी माँ का आशीर्वाद होगा वो दुनिया से एक दिन भगवान बन करके जरूर जाएगा, वो एक दुनिया में भगवान जैसा। मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, लेकिन तेरा आशीष मुझे भगवान जरूर बनाएगा। ध्यान रखें, क्या महापुरुषों के जीवन थे, क्या उनका चरित्र था। एक बार स्वामी विवेकानंद बड़ा प्रवचन कर रहे थे, माँ पे बड़ा मार्मिक प्रवचन किया। किसी मनचले नौजवान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि आपने 1 घंटे जो माँ पे प्रवचन किया है, आप माँ को इतना महत्व क्यों देते हैं? अरे संसार में आए हैं तो माँ तो मिलती ही मिलती है, अरे माँ तो एक जानवर को भी मिल जाती है, इसमें माँ की कौन सी बड़ी महिमा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे भारत का, मेरे हिंदुस्तान का आदमी माँ पे प्रश्न करता है। उन्होंने कहा कि तुझे समझना है कि माँ क्या होती है? बोले हाँ स्वामी जी, समझाओ। हमने तो भगवान को बड़ा माना है, हमने तो महात्माओं को बड़ा माना है, आप तो माँ का वर्णन करते हैं। स्वामी जी ने कहा सुनो, वो अपने सिर पर एक फेंटा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे। स्वामी जी ने पगड़ी निकाली और युवक को कहा इसे रखो। बोले इसका मैं क्या करूंगा? बोले ये तुझे माँ की महिमा समझाएगा। ये पगड़ी माँ की महिमा कैसे समझाएगी? बोले एक बात सुनो, वो जो दूर स्थान पर पत्थर पड़ा है उसे उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो, 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। उसने कहा स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूं, पत्थर उठाने नहीं आया।
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता है, और पत्थर का जवाब कोई संत नहीं, पत्थर का जवाब भी पत्थर ही दे सकता है। जाओ और पत्थर उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो और 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। अरे 9 घंटे की बात तो छोड़ो, 9 मिनट बाद वो आता है कि स्वामी जी मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, ये है आपका पत्थर और ये है आपका कपड़ा। संत ने कहा कि जाने से पहले उत्तर तो सुन ले, ये बता कि तू 9 घंटे उस पत्थर को क्यों नहीं बांध सका। बोले स्वामी जी आप इतने बड़े संत हो के कैसी बातें करते हैं, ये पत्थर बांध के घूमूंगा दुनिया हंसेगी मुझ पर, मेरा मजाक बनाएगी ये दुनिया, और इतना बड़ा पत्थर में पेट में बांध के घूमूंगा कैसे। तो संत ने कहा उत्तर लेके जा, जब ये पत्थर बांध के घूमने में तुझे शर्म आती है तो याद कर जब तेरी माँ तुझे पेट में रख के घूमी होगी तो उसे शर्म क्यों नहीं आई। और एक बात याद रखना, अरे तू 9 घंटे का पत्थर 9 मिनट नहीं बांध सकता, कैसी होगी वो माँ जो 9 महीने तुझे गर्भ में लेकर के घूमती रही। इसलिए माँ से बड़ा दुनिया में कोई और, 9 महीने उसने हमें अपने गर्भ में रखा है मेरे भाई, उस माँ की महिमा को समझने का प्रयास कर। ध्यान रखना पिता में भी वो ताकत नहीं होती जो ताकत माँ में हुआ करती है। माँ 9 महीने पेट में लेके घूमा करती। एक बार नारायण श्री कृष्ण अपने महल में थे द्वारिका में, हमेशा 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 माँ यशोदा को याद करते थे। रुक्मणी ने एक दिन पूछा कि नारायण जरा ये तो बताओ कि आप हमेशा माँ यशोदा को याद करते हैं, मैं भी तो आपका कितना ख्याल रखती हूं, मैं भी आपका ध्यान करती हूं, मैं भी आपकी सेवा करती हूं, मैं भी आपकी चिंता करती हूं, फिर बताओ नारायण आप मां को याद करते हैं मुझे क्यों नहीं। नारायण कृष्ण ने कहा बेशक रुक्मणी तुम मुझे मेरा ध्यान रखती हो, मेरी चिंता करती हो, मेरी सेवा करती हो, और बेशक तुम मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती हो, लेकिन एक बात बताऊं रुक्मणी मैया यशोदा की बातें क्या कहना। बोले जरा ये तो समझाओ नाथ कि पत्नी के प्यार में और माँ के प्यार में क्या अंतर हुआ करता है। नारायण कृष्ण ने कहा कि अभी नहीं रुक्मणी, थोड़ा रुक, वक्त आएगा तब बताऊंगा। बहुत दिन बीते, नारायण कृष्ण सेनागार में है, रुक्मणी दूध का गिलास लेकर आती है, देखती है कि नारायण की नींद लगी हुई है, गिलास रखती है चली जाती है। सुबह कृष्ण उठे, उन्होंने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी तूने दूध लाके नहीं दिया रात को मुझे। रुक्मणी ने कहा ऐसा हो सकता है, मेरी सांसें आपके लिए चलती हैं, मेरा जीवन आपके लिए है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको दूध ना दूं। तो बोले तुमने दिया नहीं। बोले नारायण अभी भी आपके सिराने दूध का गिलास रखा है, फिर तुमने बोला क्यों नहीं। बोले मैंने देखा कि आप गहरी नींद में हैं, तो नींद से जगाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए गिलास रख के मैं चली गई। नारायण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और कहा कि रुक्मणी एक दिन तुमने पूछा था कि माँ के प्यार और पत्नी के प्यार में क्या अंतर होता है, बेशक पत्नी प्यार करती है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुक्मणी एक बात ध्यान रखो, दूध का गिलास तुम भी लाई और दूध का गिलास मैया यशोदा भी लाती थी, लेकिन दोनों में अंतर तो गिलास लाने का कोई अंतर नहीं है, दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस इतना अंतर है कि पत्नी गिलास रख के चली जाती है और माँ सारी रात गिलास लेकर बैठी रहती है कि जब तक मेरा कन्हैया नहीं उठेगा तब तक मैं जाऊंगी, मैं सोऊंगी नहीं। ये अंतर है माँ के प्यार और पत्नी के, पत्नी गिलास रख के चली जाती है और माँ इंतजार करती है कि जब तक कान्हा दूध नहीं पी लेगा यशोदा सोने वाली नहीं। ये अंतर होता है, पत्नियां मुझे क्षमा करना नहीं तो तुम लोग नाराज हो जाओ मुझसे। ध्यान रखिए मान्य वाले विचार करना, एक बात याद रखना, पत्नी चुनाव से मिल जाएगी, दोस्त चुनाव से मिल जाएंगे, गुरु चुनाव से मिल जाएंगे, भगवान चुनने से मिल जाएगा, लेकिन पूना वालों एक बात गांठ बांध लेना, दुनिया में हर चीज चुनने से मिल सकती है
लेकिन माँ बाप चुनने से नहीं मिलते, माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। जन्म जन्म का पुण्य करो तब माँ बाप की प्राप्ति हुआ कर। माँ बाप पुण्य से मिलेंगे, चुनने से प्राप्त नहीं होंगे। माँ बाप का कोई चुनाव कर सकता है कि अगले जन्म में मैं इसकी कोख से पैदा हूं? नहीं मेरे भाई, ये किस्मत से मिलते हैं, पुण्य से मिलते हैं। एक बच्चा था, मुझे याद आ रही है कहानी छोटी सी, ना जाने उसे क्या हो गया, वो अपनी मां से प्रेम नहीं करता था। मां उसके बिना जीती नहीं थी, लेकिन बच्चे को मां सुहाती नहीं थी। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा हुआ, मां के प्रति बच्चा नफरत से भर गया। वो स्कूल छोड़ने जाए तो बच्चा कहता था, मां तू मेरे साथ मत चला कर, कोई जरूरत नहीं है, मैं स्कूल चला जाऊंगा। मां कुछ ना बोलती। सोचिए, जिस बच्चे को गर्भ में रखा, पाला पोसा, सब कुछ किया, वो बच्चा कहता है, मां तू मेरे सामने मत आया कर। ऐसे दुर्भाग्य लोग दुनिया में होते हैं मान्यवर। बिना संतान के बांझ होना अलग चीज है, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि संतान होने के बाद भी नारी बांझ का जीवन जिया करती है, अपने ही बच्चों से प्रेम को तरसती है, अपने ही बच्चों से वात्सल्य को तरसती है। उसने कहा कि बेटा आखिर बात क्या है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? मां मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं तू मेरे सामने कभी मत आना। मां ने कहा, एक ही औलाद, विधवा का जीवन, बहुत नफरत थी उस बच्चे को अपनी मां से। मां ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों समझ जाएगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी त्यों त्यों नफरत भी बढ़ती गई। बच्चे ने कहा कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा।